भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का अंतिम छोर तक प्रचार प्रसार एवं पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुआयामी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पंचायत समिति सलुम्बर की ग्राम पंचायत सेरिया थड़ा, पंचायत समिति सराडा की ग्राम पंचायत प्रसाद और ठेलाई एवं पंचायत समिति लसाड़िया की ग्राम पंचायत टटाकिया, लसाड़िया पंचायत समिति झल्लारा की ग्राम पंचायत मानपुर साजनोद और पंचायत समिति सेमारी की ग्राम पंचायत टोकर कानपुर में शिविर आयोजित हुआ। बता दें कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण एवं लाभार्थियों से संवाद भी किया। बताते चले कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने पंचायत समिति सलुम्बर के ग्राम पंचायत थड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों से दिए जाए लाभ एवं योजनाओं की प्रगति का फीडबैक भी लिया। बता दें कि उन्होंने आमजन को विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संवाद के दौरान किसानों को नैनो यूरिया की जानकारी देते हुए बताया कि पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह हवा में यूरिया के प्रदूषण को कम कर देता है, जिससे फसलों को यूरिया की समान मात्रा मिलती है। इससे फसलों की बढ़त और पैदावार में सुधार होता है एवं समय और मेहनत की बचत भी होती है। साथ ही उन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना के बारे में लाभार्थियों को विस्तृत जानकारी दी और कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा करवाने पर सालाना 436 रुपए प्रीमियम जमा करना होगा तथा सुरक्षा बीमा योजना में बीमा करने पर 20 रुपए सालाना प्रीमियम जमा करना होगा। बताते चले कि 26 दिसंबर को यहां एक शिविर भी आयोजित होगा। पंचायत समिति सलुम्बर के ग्राम पंचायत बस्सी रामचोत और बस्सी झुंझावत पंचायत समिति सराडा की ग्राम पंचायत खरबर और खरबरबा पंचायत समिति लसाड़िया के ग्राम पंचायत धामनिया और घाटा उर्फ सिद्धावतों का खेड़ा पंचायत समिति झल्लारा की ग्राम पंचायत हरमतिया काला घटेड़ और पंचायत समिति सेमारी के ग्राम पंचायत काली घाटी और शक्तावतों का गुणा भी शिविर में आयोजित होंगे। वहीं जिला कलेक्टर चौहान ने बताया कि दोनों ही बीमा योजना आमजन के लिए बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध है। ऐसे में इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक करें। साथ ही उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वंचित वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणी योजना जैसे आयुष्मान भारत, PMJAY, प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, गांव का सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानचित्र, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री प्रमाण योजना, नैनो उर्वरक योजना आदि के प्रति जन जागरूकता फैलाने और जन सहभागिता के माध्यम से उन्हें अंतिम पंक्ति के वंचित वर्ग तक पहुँचाना है। साथ ही उन्होंने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार ने बताया कि आईसी वैनों के पहुंचने पर संबंधित ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, स्वागत समिति के सदस्यों, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाभार्थियों द्वारा पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के पश्चात आईसी वैन की LED स्क्रीन पर माननीय प्रधानमंत्री का प्री रिकॉर्डेड वीडियो संदेश प्रसारित किया जा सकता है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण योजना से संबंधित ऑडियो विजुअल सामग्री एवं ब्रोशर, पैम्पलेट्स और बुकलेट तथा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से जिले वासियों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाकर तुरंत ही मौके पर वंचित पात्र व्यक्तियों को संबंधित योजनाओं से
जोड़ा भी जा रहा है। वही कार्यक्रम के दौरान शमेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी ने इस योजनाओं से जुड़े अपने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का आभार व्यक्त किया।